तो हेलो एंड वेलकम यार गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप सब बढ़े हैं, यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में हम माइक्रोमैक्स के लेटेस्ट ईयरबड्स TWS एयरफंक 1 का अनबॉक्सिंग करेंगे एंड उनके जो फीचर्स वगैरह वो भी देखेंगे, जानेंगे। साथ ही साथ हम जो बेसिक टेस्ट है उनके साथ, कूलिंग टेस्ट, उनका चार्जिंग टाइम, बैटरी लाइफ एंड जो अदर फीचर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही साथ मैं आपको माइक एंड गेमिंग के बारे में भी बताऊंगा कि किस टाइप के आप इनसे जो है वॉइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं माइक्रोफोन से, एंड साथ ही साथ गेमिंग के लिए क्या ये सूटेबल है नहीं है। एंड हम ये भी जान लेंगे कि क्या 1300 रुपये में ये TWS वर्थ इट है या वर्थ इट नहीं है। मेरा नाम सौरभ, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल GS Tech। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, अनबॉक्स कर लेते हैं माइक्रोमैक्स के लेटेस्ट TWS को। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अनबॉक्स कर लेते हैं। तो गाइस फ्लिपकार्ट का बॉक्स हमें कुछ इस टाइप से मिल जाता है। हम इनको यहाँ से रिमूव करके बड़ा ही आराम से अपना माइक्रोमैक्स का TWS निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये माइक्रोमैक्स के एयरफंक आ चुके हैं, एयरफंक 1 है ये। 1300 रुपये हमने पे किए हैं इन TWS ईयरबड्स के लिए। अच्छी बात ये है, ये मेड इन इंडिया हैं ईयरबड्स एंड माइक्रोमैक्स इंडियन ब्रांड ही है। ब्लूटूथ 5 कनेक्टिविटी मिल जाती है आपको, 15 घंटे का बैटरी बैकअप यहाँ पे मिल जाता है, वॉइस चेंजर का एक कमाल का फीचर यहाँ पे मिल जाता है आपको, ओके। एंड 3D डायनेमिक साउंड आपको मिल जाती है, कॉलिंग के लिए माइक्रोफोन दिए हुए हैं, 9mm के आपको ड्राइवर मिल जाते हैं। एंड जो चार्जिंग टाइम है इन TWS ईयरबड्स का वो आपका 1 घंटा से थोड़ा ज़्यादा है, ओके। तो बॉक्स कंटेंट हम देख लेते हैं इन TWS ईयरबड्स के। तो गाइस यहाँ पे आपको ऊपर वाला बॉक्स रिमूव करते ही कुछ पेपर वर्क्स आई थिंक मिल जाते हैं, ओके। तो बस ये इसको कवर करने के लिए दिया गया था। यहाँ पे ब्लैक कलर में हमने परचेज किया है माइक्रोमैक्स का फंक TWS ईयरबड्स। तो यहाँ पे ऊपर IN जो माइक्रोमैक्स का न्यू लोगो है वो आपको देखने को मिलता है। बॉक्स की अगर क्वालिटी की मैं बात करूँ गाइस, तो ऊपर से आपको जो है ग्लोसी फिनिश दी है, यहाँ से मैट फिनिश आपको मिल जाती है, नीचे की तरफ अगेन ग्लोसी है, तो बीच वाला पोर्शन आपको मैट फिनिश मिलता है, ऊपर नीचे आपको ग्लोसी डिज़ाइन मिलता है। पीछे की तरफ एक चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ, अच्छी बात ये है, टाइप सी चार्जिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है आपके ईयरबड्स से। तो गाइस अगर आप ईयरबड्स के शेप एंड डिज़ाइन की बात करें तो अपने आप में ये एक यूनिक डिज़ाइन के साथ आते हैं, लाइक जो अदर TWS हैं आपके उनसे थोड़ा इनका डिज़ाइन अलग है। आप चाहे रियलमी के बात कर लीजिए या डीजो की बात कर लीजिए। तो केस में पुट करते ही आपके ईयरबड्स चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड देख लीजिए चार्ज होते ही लाइक ये इंडिकेट यहाँ पे दे देते हैं, ओके। ऊपर वाला पोर्शन हम रिमूव करते हैं तो नीचे वाला सेक्शन में देख लेते हैं क्या क्या आपको मिलता है। तो 1 ईयर की वारंटी के साथ आपके ईयरबड्स TWS यहाँ पे आ जाते हैं गाइस। एंड आपको एक्स्ट्रा एसेसरीज में कुछ इनकी लाइक एक्स्ट्रा ईयर टिप्स एंड डेटा केबल मिल जाती है चार्जिंग के लिए, और कुछ नहीं है बॉक्स में। तो हम इनको एक बार साइड में रख लेते हैं, ईयरबड्स को कनेक्ट करके देख लेते हैं अपने स्मार्टफोन के साथ एंड कैसे ये कनेक्ट होते हैं वो हम जान लेते हैं यहाँ पे। तो गाइज हमें यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा था एयरफंक 1 का, तो हमने वो यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट कर दी। पेयर होते ही मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइप से इनकी साउंड क्वालिटी है एंड अदर फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो गाइज हमने अपने जो माइक्रोमैक्स के एयरफंक 1 थे डिवाइस के साथ पेयर कर लिए एंड पेयरिंग काफ़ी आसान थी। बात कर लेते हैं ईयर फिटिंग की एंड इनके लुक की एंड कैसे कंफर्टेबल हैं ये ईयर में। तो अगर हम उस फैक्टर की बात करें तो मुझे जो इनका कुशन है लाइक ये वाला पोर्शन थोड़ा हार्ड फील हो रहा है, ओके। अनलाइक अदर ईयरबड्स तो ये पोर्शन उनमें थोड़ा एक्स्ट्रा होता, बट इनमें आपको डायरेक्ट फीलिंग ऐसी आएगी कि आपका जो प्लास्टिक वाला एरिया है वो आपके कान में यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं हिट कर रहा है, ओके। तो कंफर्टेबल ठीक है, मैं बोलूँगा नहीं कि ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, कंफर्टेबल वाइज आपको ठीक ठाक मिल जाता है। हालांकि थोड़ा इन्वायरमेंटल जो वॉइस है, सराउंडिंग का नॉइस है, वो थोड़ा कम मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस लगा इन TWS ईयरबड्स में, ओके। एंड मैंने कुछ म्यूज़िक भी ऑलरेडी टेस्ट किया है, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, म्यूज़िक लूप में चल रहा है
लाइक आपका पहले राइट ईयर में आवाज़ तेज होगी, देन हल्का हल्का सा वो फ्लो मूव होता होता लेफ्ट ईयर में जाएगा, देन अगेन वो लेफ्ट टू राइट ऐसे रोटेट कर रहा है। आई डोंट नो ये फीचर है इनका या ये आपका डिफॉल्ट पे सेट है। मैंने जो राइट एंड लेफ्ट वाला ईयरबड्स था वो भी 3 सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड करके रखा, बट उसने कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट नहीं किया। मैं एक बार दोबारा से वो कर लेता हूँ। ओके तो हाँ, ये जो फीचर था वो 3 सेकंड के लिए अगर आप लेफ्ट वाले ईयरबड्स को होल्ड कर के रखते हैं तो उस टाइम ये इनेबल एंड डिसेबल होगा, एंड राइट वाले ईयरबड्स को अगर 3 सेकंड के लिए आप होल्ड करके रखेंगे देन आपको जो है माइक्रोफोन की वॉइस चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लाइक आप जब भी कॉल पे होंगे या किसी टाइप से आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे होंगे किसी दूसरे डिवाइस में, तो उस टाइप से वो आपका यहाँ पे स्विच इन कर जाएगा। लाइक आपकी वॉइस मेल टू फीमेल आपकी स्विच हो जाएगी। बस ये फीचर आपको यूज़ करना है, 3 सेकंड के लिए आप इसको होल्ड करके रखें। मैं आपको इनका साउंड टेस्ट दिखा देता हूँ। बास एंड साउंड मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर लिए एंड मैं आपको बता देता हूँ कि जो इनकी आवाज़ है वो मुझे जो इनके प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी लगी। वॉइस काफ़ी आपकी लाउड है, लाउड वाइज कोई भी इशू नहीं है। बास आपको डिसेंट मिल जाता है 1300 रुपये के ईयरबड्स के मुताबिक, आप बास वाइज कंप्लेन नहीं कर सकते इस प्राइस रेंज पे। ओके मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ, आपको आवाज़ सुना देता हूँ। तो गाइज अगर आपने यहाँ पे जो इनकी साउंड है वो सुनी है, ओके एंड कल हमने ईयरबड्स का रिव्यू किया था, बोल्ट के जो ईयरबड्स थे उनको चेक किया था, एंड मैं आपको बता दूँ उनसे इनकी आवाज़ काफ़ी लाउड है, काफ़ी क्लियर मुझे यहाँ पे आवाज़ लगी। तो वॉइस वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ईयरबड्स परचेज करने हैं जस्ट फॉर म्यूज़िक शेक, म्यूज़िक आपको सुनना है अच्छा लगता है, तो आप डेफिनेटली इन ईयरबड्स टीयरबड्स के लिए जाइए गाइस। काफ़ी अच्छे आपको साउंड यहाँ पे मिल जाएगी। बास मैं नहीं बोलूँगा उतना अच्छा है, बट अगर प्राइस आप कंसिडर कर रहे हैं 1300 रुपये, तो 1300 रुपये के मुताबिक आपको बास ठीक ठाक मिल जाता है। साउंड वाइज मैं इनको यहाँ पे 9 मार्क्स दे रहा हूँ आउट ऑफ 10, बास वाइज मैं इनको सिर्फ 7.5 मार्क्स दे रहा हूँ। ओके बात करेंगे इनकी जो कॉल क्वालिटी है उसकी, तो कॉल क्वालिटी वाइज कैसे हैं, माइक्रोफोन की क्वालिटी आपको कैसे मिलती है वो हम जान लेते हैं एंड देख लेते हैं कि कितना अच्छा माइक्रोफोन यहाँ पे आपको माइक्रो मैक्स ऑफर कर रहा है प्राइस 1300 रुपये के मुताबिक। तो गाइज माइक्रोफोन की क्वालिटी हमने यहाँ पे चेक की एंड साथ ही साथ जो ये फीचर यहाँ पे इन्होंने दिया था लाइक वॉइस चेंजर वाला वो भी मैंने टेस्ट किया, एंड मैं आपको कुछ रिजल्ट यहाँ पे बताना चाहता हूँ। माइक्रोमैक्स के ईयरफोन की माइक की क्वालिटी नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट आपको मिल जाती है अंडर 1500 रुपीज़। गाइज आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पे माइक ऑफर कर रहे हैं। ओके बट जो वॉइस चेंजर था इफेक्ट वो मेरी वॉइस पे काम नहीं किया। क्यों नहीं किया आई डोंट नो द रीज़न। मैंने जो फीमेल वॉइस थी वो स्विच की एंड वॉइस और भारी हो गई, मुझे रीज़न नहीं पता क्या है। ओके अच्छी बात ये है कि आपको ये फीचर मिल जाता है, अगर ये अच्छी तरह से वर्क करे तो बेटर थिंग है, अगर वर्क नहीं करे ढंग से तो गाइज कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं रह जाता इस चीज़ का। ओके तो वो थी दूसरी बात गाइज। अगर मैं बात करूँ इनके जो है वॉइस की, तो यहाँ पे आपको 3D वॉइस मिल जाती है जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। लूप में वॉइस चलती है लाइक लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट काइंड ऑफ लूप चलता है, एंड अगर आप उस टाइप का फीचर इनेबल करके देखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो काइंड ऑफ डिफरेंट फीलिंग आती है, बट स्टिल अच्छा फीचर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपकी रिक्वायरमेंट। तो
मुझे ये ईयरबड्स का फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा लगा गाइस। अगर मैं बात करूँ कि चार्जिंग टाइम की, तो चार्ज करने के लिए आपको एक टाइप सी डेटा केबल मिल जाती है बॉक्स में ही, आप वो यूज़ कर सकते हैं या आप कोई भी अडाप्टर दूसरा यूज़ कर सकते हैं इनको चार्ज करने के लिए। चार्जिंग टाइम इनका 1 घंटा 10-15 मिनट के अराउंड है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा 0 to 100% चार्ज करने में। अगर मैं इनके बैटरी बैकअप की बात करूँ गाइस, तो ये अप टू 5 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको देने में केपेबल है इन सिंगल चार्जिंग, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। सिंगल टाइम में आपको 5 घंटा अगर बैटरी बैकअप मिलता है तो वो काफ़ी अच्छा है। अगर इनके शेप साइज एंड डिज़ाइन की बात करूँ, तो काफ़ी ये थिक डिज़ाइन में आते हैं, लाइक आपको काफ़ी छोटे ईयरबड्स मिल जाते हैं बट लंबा है साइज में, एंड कॉम्पैक्ट साइज मुझे इनका लगा। दो टाइप की यहाँ पे इन्होंने फिनिश दी हुई है, ग्रेडिएंट सॉरी आपका ग्लॉसी भी एंड मैट फिनिश भी। बट अगर आपका जो मैट फिनिश से ऊपर एंड नीचे होता तो वो बेटर हो सकता था, क्योंकि अगर आपका ग्लॉसी ऊपर एंड नीचे वाले पोर्शन पे है तो आप उनको खुद करेंगे एंड स्क्रैचेस का खतरा इंक्रीज होता है उस कंडीशन में। ओके, तो फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा था माइक्रोमैक्स के फंक 1 का, एंड मुझे ये टीवीएस काफ़ी पसंद आए, तो मैं आपको 10 में से 9.5 ये रिकमेंड कर रहा हूँ। आप इनके लिए जा सकते हैं, इनको परचेज कर सकते हैं, ना तो आपको साउंड में इशू होगा, ना आपको जो है इनकी कॉल क्वालिटी माइक्रोफोन में इशू होगा। हाँ, इशू है कहाँ है, गेमिंग में। गेमिंग के लिए लेटेंसी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, ओवर 100 ms मिल जाती है, तो गेमिंग के लिए आप इनको मत सोचिए गाइस, गेमिंग टीडब्ल्यूएस नहीं है। एक एडिशनल फीचर की मैं और बात कर लेता हूँ यहाँ पे, आपको ये पहले ईयरबड्स टीडब्ल्यूएस मिल जाते हैं अंडर 2000 रुपीज़, 1500 रुपीज़, जो आपको वाटर एंड डस्ट प्रूफ के साथ आते हैं। वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट आपको मिल जाती है इन ईयरबड्स टीडब्ल्यूएस में, तो आप इनको जिम वगैरह में या खेलने के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे ये टीडब्ल्यूएस ईयरबड्स हैं, मेरे अकॉर्डिंग आप इनको परचेज कीजिए, आप चांस मत मिस कीजिए। ओके, बट आप मुझे बताइए आपको ये ईयरबड्स टीडब्ल्यूएस कैसे लगे, आप इनको परचेज करना चाहते हैं या नहीं, कमेंट करके आप डेफिनेटली मुझे बताइए। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय बाय गाइस।